हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगिता। वेलकम टू आवर चैनल बोल्ड स्काई। आंवले में संतरे से 30 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और ये कई तरह की मौसमी बीमारियों से दूर रखता है। हर दिन आंवला खाने से हम दिल की बीमारी से बच सकते हैं। ये सेहत और स्किन दोनों में फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोगों को इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, आज हम बताने वाले हैं कि किन 6 बीमारी वाले लोगों को आंवला भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आते हैं ज्यादा हाइपर एसिडिटी वाले लोग। आंवला विटामिन सी से भरपूर है। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो फल की अम्लीय प्रकृति बढ़ाने का काम करता है। स्टडीज के मुताबिक आंवला दिल की जलन की समस्या से दूर तो करता है, लेकिन हाइपर एसिडिटी वालों में ये दिक्कत बढ़ा सकता है। हाइपर एसिडिटी वाले लोगों को भूल कर भी खाली पेट आंवले का सेवन नहीं करना चाहिए। खून की बीमारी वाले लोग, आंवले में एंटी प्लेटलेट गुण होते हैं। इसका मतलब है कि ये खून के थक्कों को जमने से रोकता है। आंवले का ये गुण हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है, लेकिन जो लोग पहले से ही किसी तरह के ब्लड डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, उनके लिए आंवला अच्छा विकल्प नहीं है। सर्जरी कराने वाले लोग, जिन लोगों को जल्द ही किसी चीज की सर्जरी करानी है, उन्हें फिलहाल आंवला खाने से बचना चाहिए। इस फल का अधिक मात्रा में सेवन करने से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक ब्लीडिंग होने से गंभीर एसिडोसिस या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। कम ब्लड शुगर लेवल वाले लोग, आंवला ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है। ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को फायदा करता है, लेकिन यह उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जिनका ब्लड शुगर लेवल अक्सर कम रहता है या फिर जिन लोगों की एंटीबायोटिक दवा चलती है। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिलाएं, आंवला में ऐसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद है, लेकिन ज्यादा मात्रा में इसे खाने से पेट खराब हो सकता है। इससे डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी समस्या भी आ सकती है। प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीड कराने वाली महिलाओं में ये लक्षण और गंभीर हो सकते हैं। इन महिलाओं को डॉक्टर से संपर्क करने के बाद आंवला खाना चाहिए। ड्राई स्कैल्प या ड्राई स्किन वाले लोग, अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है या आपकी त्वचा रूखी है, तो ज्यादा आंवला खाने से यह समस्या और बढ़ सकती है। इसकी वजह से बालों का झड़ना, खुजली, रूसी और बालों से जुड़ी अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। आंवला के कुछ तत्व डिहाइड्रेशन भी बढ़ाते हैं, इसलिए आंवला खाने के बाद ढेर सारा पानी पीने की सलाह दी जाती है।